हेलो दोस्तों, नमस्कार। मनोरंजन मसाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ, जिसे देखकर आपको बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। अकबर बादशाह के राज्य में एक बहुत ही बुद्धिमान ज्योतिषी आया हुआ था, जो लोगों की भविष्यवाणी बता रहा था कि कौन कब मरेगा और किसकी किस्मत कैसे पलटेंगी। और भाई, यहाँ तक कि उसकी भविष्यवाणी भी सच हो रही थी। तो जैसे ही ये बात राजा को पता चलती है, तो राजा तुरंत ही सैनिकों को उसे दरबार में पेश करने का आदेश देता है और ज्योतिष से कहता है कि आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, लेकिन मरने से पहले बताओ कि मेरी मृत्यु कब आने वाली है। अब भाई, ये सुनकर ज्योतिष थोड़ा घबरा जाता है। तो दोस्तों, अब आप हमें बताइए कि ज्योतिष को अब ऐसा क्या जवाब देना चाहिए कि वो भी बच जाए और राजा को भी पता चल जाए कि वो कब मरने वाला है। तो अच्छे से सोचिए और जल्दी से अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। भाई, ज्योतिष बड़ा बुद्धिमान था, तो वो राजा से कहता है, ओ राजे साहेब, कि जिस दिन मैं मरूंगा उसी दिन आपकी मृत्यु होगी। तो ये सुनकर राजा डर जाता है और ज्योतिष को छोड़ देता है। तो भाई, पजल देखकर मजा आया ना? तो इस बात पर ज्योतिष की बुद्धिमानी के लिए वीडियो को एक लाइक कर दो यार। दोस्तों, पजल नंबर 2 आज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज आपको पिक्चर को देखकर बताना है कि उसमें क्या गलत है। तो सभी पिक्चर को अच्छे से देखिएगा। तो ये रही आपके सामने पहली पिक्चर, तो अच्छे से देखिए और हमें बताइए कि इस पिक्चर में क्या गलत है। तो चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। देखिए भाई, अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि ऊंट रेगिस्तान में चल रहे हैं, लेकिन उनकी परछाई ही नहीं है, जबकि परछाई दिखनी चाहिए थी। तो बस इस पिक्चर में यही एक गलत था। तो चलिए फिर से इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और अब हमें बताइए कि इस पिक्चर में क्या गलत है। तो अच्छे से देखिए और जल्दी से अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। देखिए भाई, मम्मी बच्चों को मैंगो का जूस दे रही है, लेकिन जार में तो मैंगो का जूस ही नहीं है और ग्लास फुल हो चुका है। तो बस इस पिक्चर में यही एक गलत था। तो क्या आपने ये नोटिस किया था क्या? तो वेरी गुड। तो चलिए फिर से आपके सामने पिक्चर आई है, तो आपको बताना है कि इस पिक्चर में क्या गलत है। तो अच्छे से देखिए और जल्दी से अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। देखिए भाई, इस पिक्चर में नदी ब्रिज के इस साइड दिख रही है और उस साइड तो ग्राउंड है, तो फिर ब्रिज की क्या जरूरत है? तो बस इस पिक्चर में यही एक गलत था। तो क्या आपने ये तीनों भी गलतियां सही गेस की थी क्या? तो मानना पड़ेगा यार कि आप गेस करने में माहिर हो। तो चलिए फटाफट से अब हमें बताइए कि वह कौन सा 3 अक्षर का वर्ड है जिसका आखिरी अक्षर काटे तो क्रो बन जाए, पहला अक्षर काटे तो एलिफेंट बन जाए और अगर बीच का अक्षर काटे तो वर्क बन जाए। तो बताओ कि वह कौन सा 3 अक्षर का वर्ड है। तो भाई जरा सोचो सोचो। तो चलिए इसका जवाब देख लेते हैं और इसका सही जवाब है कागज।
देखिए भाई, कागज का हम लास्ट अक्षर ज काट दे तो काग यानी कौवा बन जाता है, और कवि को इंग्लिश में क्रो कहते हैं, और पहला अक्षर काटे तो गज यानी हाथी बन जाता है, और हाथी को हम इंग्लिश में एलिफेंट कहते हैं, और अगर बीच का अक्षर ग काटे तो काज यानी काम बन जाता है, और काम को इंग्लिश में वर्क कहते हैं। तो वह तीन अक्षर का वर्ड है कागज। तो चलिए देख लेते हैं लास्ट पहेली। तो चलिए फटाफट से फिर से आपके सामने एक पिक्चर आई है, तो आपको बताना है कि इस पिक्चर से किस लड़की का नाम बनेगा। तो नाउ लेट्स गो। अरे यार, उस लड़के का नाम बनेगा श्याम। देखिए भाई, सबसे पहले है यस यानी श, और बाद में है आम, तो दोनों मिला देने पर क्या बन जाएगा? श्याम। तो चलिए इसी के साथ हम देख लेते हैं कि कौन कौन है आज के वो 10 लकी विनर। तो हमारे पिछले वीडियो का आंसर था नरेंद्रनाथ दत्त। तो ये रहे आज के वो 10 लकी विनर, दिशा कुमारी, सूरज दशीला, परी, अंकित गेमिंग, मिथु झा, रितेश चुंबक, रक्तिमा तनुजा, अरीब कुरैशी, श्रुति मंगल, दविंदर पंडित। दोस्तों, आप सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई हो। तो ये रहा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। स्वराज्य ही मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह वचन किसने कहा था? तो जल्दी से कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।